यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45 यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45 योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकिम के राज्य के चौथे वर्ष में जब नेरियाह का पुत्र बारुक यिर्मयाह भविष्यवक्ता से भविष्यवाणी के ये वचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका था तब उसने उससे यह वचन कहा कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यो कहता है हे बारुक तूने कहा हाय मुझ पर क्योंकि यहोवा ने मुझे दुख पर दुख दिया है मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे कुछ चैन नहीं मिलता तू यो कह यहोवा यो कहता है कि देख इस सारे देश को जिसे मैंने बनाया था उसे मैं आप ढा दूंगा और जिनको मैंने रोपा था उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा इसलिए सुन क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है उसे मत खोज क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर विपत्ति डालूंगा परंतु जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा।